back from the dead. तो फ्रेंड्स अभी मैं हाईवे पे खड़ा हूँ, मैं दुकान को मंगल करके अब घर की तरफ जा रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 10:30, तो बस मेरे को ये डर है कि यार वो जो बस यहाँ पे 10:30 बजे के समथिंग आती है वो निकल नहीं गई हो, तो अगर निकल गई होगी तो फिर मेरे को लफड़ा हो जाएगा, जाने में मुश्किल हो जाएगी। तो अभी बस ट्राई कर रहा हूँ कि मिल जाए बस, देखता हूँ 5-10 मिनट और वेट करता हूँ, नहीं तो फिर लोकल जीप में जाना पड़ेगा। पैदल जा रहा हूँ मैं, क्योंकि इस पास में ही 2 किलोमीटर आगे थोड़ा सा स्टैंड है, वहाँ पे गवर्नमेंट बस रुकती है वहाँ पे, तो अब वहाँ से ही बस मिलने वाली, क्योंकि जो हमारी बंदी हुई बसें थी ना जो 10 बजे तक आती जाती है वो अब निकल चुकी है, तो कोई सीन ही नहीं है कि कोई अब कोई गाड़ी मिलेगी। और वहाँ पर हमारे होटल पर कोई गाड़ी नहीं रुकती है लोकल जीपों के अलावा, लोकल जीप की यार फुल भरी हुई थी वो भी निकल गई, तो पैदल चलता हूँ देखता हूँ गाड़ी मिल जाए। तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ घर पे, और अभी मैंने खाना भी खा लिया और नहा भी लिया है, तो अभी मैं थोड़ा सोऊंगा क्योंकि यार मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। कल रात से आपने देखा कि कल मैं पूरा जगा हुआ था, पूरी नाइट भी जगा हुआ था, सुबह शाम को 4 बजे मैं गया था शॉप पे, और फिर उसके बाद अभी 12 बजे आया हूँ घर पे। तो अभी मैं सोऊंगा और शाम को मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स टाइम हो रहा 5:30 और अभी मैं जा रहा हूँ जिम, जिम के लिए पूरा तैयार हो चुका हूँ, तो बस अभी जिम जाना है। और यार देखो नाइट ही हमारा रोज का है, मतलब रोज का, जैसे आज पापा गए हैं तो कल पापा आएंगे तो पापा भी थके हुए रहेंगे तो वो भी सोएंगे, और अभी मेरा है तो मैं भी सोकर उठा ही था जस्ट, तो बस अब तैयार होकर आपको जिम दिखा दूँ अपने अंदर से कि कैसी है मेरी जिम। तो फ्रेंड्स ये है जिम की पार्किंग, अभी इधर से जाऊँगा अंदर, गाड़ी में से कुछ निकाल लूँ। तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ घर पे, जिम से सीधा घर आया हूँ भागता हुआ, क्योंकि आज मंगलवार है तो मुझे मंदिर भी जाना है, तो अभी मंदिर भी चलेंगे। तो अभी के मैंने कल वाली वीडियो अपलोड पे डाल दी है, वो हो रही है, दिखाता हूँ, ये देख लो फ्रेंड्स अपलोड पे हो रही है कल वाली वीडियो, तो ऐसे ही छोड़ देते हैं और चलते हैं मंदिर। और सचिन का भी कॉल आया था तो सचिन के पास भी जाना है, तो वहाँ चलते हैं और वहाँ मिलता हूँ मैं आपको। फ्रेंड्स मैं जल्दी में इसलिए था क्योंकि 8:30 बजे मंदिर मंगल हो जाता है, तो मुझे ये डर है कि और 8:30 में 5 मिनट ही कम है, उससे ज़्यादा नहीं है, अब इसलिए जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। फ्रेंड्स यार अभी मैं मार्केट निकला, तो मार्केट में जब मैं जिम से घर जा रहा था तो सारे पेट्रोल पम्प खुले हुए थे, और अभी जब मैं वापस आ रहा हूँ ना तो सारे पेट्रोल पम्प ऑफ पड़े हैं। मैं भी आते टाइम आपको दिखाऊंगा, सारे पेट्रोल पम्प मतलब बंद पड़े, लाइटें वाइटें ऑफ पड़ी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ चलेगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ है। फ्रेंड्स मंदिर तो खुला हुआ है, भजन चल रहा है, देखते हैं अंदर चल के। तो फ्रेंड्स अभी मंदिर खुला ही था, पता नहीं कैसे आज चमत्कार हो गया, मैं सही बता रहा हूँ 8:30 बजे मंगल हो जाता है, लेकिन अभी खुला ही था मंदिर, तो अभी चलते हैं पेट्रोल पंप की, देखते हैं क्या सीन है पेट्रोल पंप का, चलते देखते बंद है या खुला। फ्रेंड्स ऑफ पड़ा है पूरा का पूरा पेट्रोल पंप, रस्सी खींची हुई है,
और फ्रेंड्स ये वाला पेट्रोल पंप भी बंद पड़ा है, इंडियन ऑयल भारत पेट्रोलियम ये भी बंद पड़ा है। फ्रेंड्स पेट्रोल पंप इसलिए बंद है क्योंकि राजस्थान में सब लोग मतलब पेट्रोल पंप के जो डीलर्स है वो हड़ताल पर चले गए हैं। अभी मैसेज आया ग्रुप के अंदर तो पता चला है, तो 3 घंटे के लिए बंद है 8 से 11 बजे तक। अपन को क्या करना है, अपना तो भराया हुआ है पेट्रोल, मैंने तो भरा दिया था कल परसों, कल एक्टिवा में भरा लेते हैं और एक मेरी गाड़ी में भरवा लिया था, तो अभी अपना फुल है। अभी हम सचिन के घर आए हुए हैं, इसका भी कॉल आया था तो देखते हैं क्या बोलता है, कहीं चलेंगे घूमने के लिए इसके साथ। आप बोल बोल मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम पेट्रोल पंप के बारे में क्या बोल रहा है। तो फ्रेंड्स ये पेट्रोल पंप के बारे में बोल रहा है कि 3 घंटे पे क्या जाता है, हड़ताल करनी तो 3 दिन के लिए करो भाई, ये सीरियस मत लेना, मजाक ही है। यहाँ ये पैदल गाड़ी इसको चलाना आती नहीं है क्योंकि इसने एक बार ट्राई करी थी बचपन के अंदर, तो इसके टांगड़ा इसका फ्रैक्चर हुआ है, तो फ्रेंड प्लान में थोड़ा चेंज है, पहले हम जा रहे थे लस्सी पीने और अभी हम जा रहे हैं डोसा खाने, क्या डोसा ही ना मसाला डोसा खाने के लिए, तो अभी चलते हैं चौपाटी। तो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं मसाला डोसा खाने। फ्रेंड्स जिस रेस्टोरेंट में हम अभी आए हुए हैं उसका नाम है गजरा फास्ट फूड रेस्टोरेंट, और ये कहाँ पे, कौन सी जगह है, विनोद नगर। तो तेरे पूछूं एक क्वेश्चन, जवाब देगा क्या, मैं वीडियो चालू देखी, हाँ वीडियो चालू देखी, हाँ सर ठीक है कुछ। तो फ्रेंड जो मैंने आपसे पूछा ना क्वेश्चन, वो तुम्हें बता ना कि रिया नाम की लड़की, क्या क्या नाम है, रिया नाम की लड़की को एक कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे, कमरिया, नहीं कोई सेंस नहीं होती, अपनी मैंगो डोली आ गई है, सचिन सिंह अभी मोबाइल चला रहा है, तो मेरा भाई अभी एक और आइसक्रीम लेने के लिए गया हुआ है, सचिन सिंह आइसक्रीम खाओगे ना, खाएंगे तो एक और आइसक्रीम आएगी वो खाएंगे, मैंगो वाली देखते हैं लेकर आवे। फ्रेंड्स एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे, क्या कर रहा है भाई, तो फ्रेंड्स अब हमने एक और आइसक्रीम खा ली है, मेरे को बहुत खाने की इच्छा हो रही थी इसलिए, तो अभी बस अब घर जा रहे हैं, चलो चलते घर की तरफ, अभी भी सचिन आइसक्रीम खा रहा है। कुछ कहना चाहेगा, नहीं कुछ नहीं कहना चाहेगा, चल ठीक है चलो। तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ फ्रेंड्स के साथ घूम कर बाहर से, और यार सीरियसली बहुत मज़ा आया। तो फ्रेंड्स
ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। और यार जो मैंने व्लॉग अपलोड के लिए रखा था वो अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हो तो चल रही पीछे वीडियो। तो यार इधर हमारे यहाँ पे अपलोड के लिए रखना पड़ता है 1-1.5 घंटे तक, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है, बहुत मुश्किल से मतलब धीरे धीरे करके वो अपलोड होता है। तो अब फाइनली अपलोड हो चुका है, उसे भी चेकआउट कर लेना। और मैंने कल एक पार्सल मंगाया है, वो मैं आपको कल ही बताऊंगा कल वाले ब्लॉग के अंदर, वो उसको भी अनबॉक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।